मुरादाबाद जामे मस्जिद में नमाज जुमा के बाद लोगों ने नारे लगाए। सैकड़ों अफराद ने नूपुर शर्मा नवीन जंदाल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नमाज जुमा के बाद नूपुर शर्मा को फांसी देने का मुतालबा किया गया। शहर के इमाम ने कल जिले इंतजामिया को नूपुर शर्मा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए मेमोरेंडम दिया था। सुबह से ही पुलिस इंतजामिया नमाज जुमा को लेकर चौकस थी। नारों के दौरान ड्रोन्स के जरिए निगरानी भी की गई। हाथों में बैनर लेकर मुजाहरे में नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। पुलिस इंतजामिया ने नमाजियों से अमन बरकरार रखने की अपील की। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कुछ भ्रामक मैसेज चलवा रहे थे कि किसी प्रकार का बंद होगा। इस संबंध में कल भी जामा मस्जिद से ज्ञापन देते समय हमारे शहर इमाम साहब ने सभी से कहा था कि किसी भी संस्था संगठन की ओर से किसी प्रकार का बंद नहीं है, और यदि कोई किसी प्रकार का बंद कराने का प्रयास करता है तो उससे बहुत ही कठोरता से पुलिस प्रशासन निपटेगा। लोगों ने समझाया उस बात को और सामान्य जनजीवन है। यार जुमा है आज, नमाज करने सभी लोग आने वाले हैं। एहतियात के तौर पर हम लोगों ने फोर्स रखा हुआ है, ड्यूटियाँ लगी हुई हैं हमारी, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। बीएससी का डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, सेक्टर स्कीम भी लागू है शहर में। किसी प्रकार से हमारे आम जनमानस को कोई समस्या न हो और जो लोग घर से आए अपना नमाज पढ़ें और सब कुछ अपने घर पहुँचें, इसके लिए हम लोगों ने व्यवस्थाएँ की हुई हैं। माहौल बहुत अच्छा है, कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं। फिर भी यदि कोई अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ बहुत ही कठोर एक्शन लिया जाएगा। सर, अभी तक जो सोशल मीडिया पर जो भ्रामक अफवाह फैल रही थी उस पर पुलिस प्रशासन द्वारा क्या एक्शन लिया गया? कुछ उनको चिन्हित किया जा रहा है कहाँ से वो जनरेट हुई थी, क्योंकि किसी भी संगठन ने किसी प्रकार के बंद का आह्वान नहीं किया था। कुछ खुराफाती तत्वों ने सोशल मीडिया का लाभ उठा के इस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। जीवन सामान्य है, सभी लोग अभी आज नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं घरों से, सब ठीक है। और जो लोग इस तरह के काम कर रहे हैं तो चिन्हित किया जा रहा है, उनको एक्शन लिया जाए। सर, जैसा कि अन्य जिलों में धारा 44 लागू है, मुरादाबाद जी हाँ, मुरादाबाद में भी धारा 44 लागू है।